आइए देखते हैं अब धनु राशि के जातकों का वर्ष फल कैसा रहेगा। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं, जो साक्षात गुरु हैं, परम आदरणीय, धार्मिक, आध्यात्मिक, ईमानदार, सच्चा न्याय करने वाला, ये सारे गुण परिलक्षित होते हैं। यदि आपके गुरु शुभ जगह पर और अस्त नहीं हैं तो लगभग सारे गुण आपके अंदर हो सकते हैं। वर्तमान में बृहस्पति आपके एकादश भाव में चल रहे हैं। जो काम आपके दिमाग में आ रहा है उसको कर डालें, सक्रियता बनी हुई है। आपकी मेहनत करने की प्रवृत्ति भी शनि देव की वजह से बनी हुई है, इसलिए देर ना करें। मई तक आपके कार्य की गतिशीलता बनी रहेगी। गुरु और शनि के वक्री होने के कारण मई से अगस्त तक थोड़ी रुकावट महसूस हो सकती है, लेकिन पुनः अगस्त से आपके कार्य फिर संपन्न होने लगेंगे, इसलिए अपनी रुचि और आत्मविश्वास को कम ना होने दें। वर्ष पर्यंत कार्य, व्यवसाय या नौकरी में सफलता मिलती जाएगी। थोड़ा उतार चढ़ाव होते हुए भी आप सफल रहेंगे। स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान देना होगा। कार्य की अधिकता के कारण थकान के साथ साथ दांत मसूड़ों की दिक्कतें, कंधों में जकड़न और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। खास तौर से मार्च तक और जून जुलाई का समय चिंता भरा हुआ हो सकता है। थोड़ी दिक्कतों को गंभीरता से लें, क्योंकि यह मध्य की साढ़े साथी आपके ऊपर चल रही है। धन संबंधी मामले में आपकी मेहनत के अनुसार फल मिलेगा, फिर भी फरवरी से मई तक का समय आर्थिक रूप से सही रहेगा। पुनः वर्ष के उत्तरार्ध में आपको वित्तीय सहयोग और आर्थिक योजनाओं को बल मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, आत्मविश्वास बना हुआ है। मेहनत से परेशान ना हो, सफलता मिलेगी। वर्ष का पूर्वार्ध अच्छा रहेगा। उत्तरार्ध में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भावी संतान के प्रति वर्ष का पूर्वार्ध ज़्यादा अच्छा है, अनुकूल है। पत्नी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। मानसिक चिंता और उलझनों का साथ चलता रहेगा। आपके मानसिक सहयोग की आवश्यकता महसूस करती हैं, उनका सहयोग करें। माता का स्वास्थ्य थोड़ा चिंताजनक बना हुआ है, जो कि अप्रैल से अगस्त तक सुधार में रहेगा। पुनः अगस्त से अक्टूबर तक ध्यान देना होगा और उसके बाद फिर राहत मिल जाएगी। यदि आपकी उम्र 40 से अधिक है तो शुगर और शरीर में कैल्शियम की जांच करवाते रहें। इस वर्ष कई रचनात्मक कार्यों की शुरुआत हो सकती है, उसको प्रयास करके शुरू करें, जिसका फल आपको पुनः अगले वर्ष या इस वर्ष के अंत में ही देखने को मिल सकता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आपके कार्यों में संघर्ष और स्वास्थ्य संबंधी असंतुष्टि बनी हुई है तो ये उपाय कर सकते हैं। अपना ईशान कोण साफ रखें, मतलब आपका पूर्व उत्तर का कोना मकान के अंदर का वो साफ रखें। सूर्यदेव को अर्घ दें और केले के पौधे में जल डालें। घर से निकलकर काम पर जाते हुए रुक कर देव दर्शन करते हुए जाएं। आइए देखते हैं मकर राशि के जातकों का यह वर्ष कैसा रहेगा। इस राशि के स्वामी शनिदेव हैं। अच्छी सोच, ईमानदारी से मेहनत, बुजुर्गों और सेवकों का सम्मान और उनकी भावनाओं का ख्याल रखने वालों के ऊपर शनिदेव की अपार कृपा बनी रहती है। चूँकि आपके ऊपर शनि की पहली ढैया पहले से ही चल रही है तो आपको फल क्यों नहीं देंगे। यदि आपने पिछले कई सालों से ईमानदारी से मेहनत और सहयोग किया है तो आपको पहली ढैया में ही मन मुताबिक सफलता मिल सकती है। नौकरी या व्यावसायिक दोनों वर्गों के जातकों के लिए यह समय फायदेमंद चला आ रहा है, भरपूर लाभ उठाएं। इसका दूसरा कारण गुरु के आपके दसवें घर में गोचर करने के कारण भी बनता है। आर्थिक रूप से यह समय बिल्कुल अच्छा है,
मेहनत के मुताबिक आप जितनी अपेक्षा करेंगे उतना आर्थिक सहयोग यह वर्ष आपको देगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में बेहद सावधान रहें। मानसिक उलझन, व्यग्रता से लेकर शारीरिक विषमताएं बढ़ सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का स्वयं ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके शरीर की पीड़ा कोई दूसरा साझा नहीं कर सकता है। फरवरी से अप्रैल तक गाड़ी सावधानी से चलाएं, दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। जितना ध्यान आपको खुद पर रखना है उतना ही ध्यान आपको अपनी पत्नी पर भी देना पड़ेगा। पत्नी का स्वास्थ्य दिसंबर 2017 से ही प्रभावित हुआ है। चूँकि राहु सप्तम भाव में चल रहे हैं, इसलिए पत्नी का शारीरिक और मानसिक स्तर प्रभावित कर सकते हैं। वर्ष का उत्तरार्ध पत्नी के स्वास्थ्य के लिए और चिंता का कारण बनाएगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय चिंता वाला रहेगा। केतु की पंचम भाव पर दृष्टि से पढ़ाई में मन विचलित हो सकता है। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा, फिर भी पढ़ाई सामान्य से अच्छी हो सकती है। विद्यार्थी प्रयास करते रहें। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। वर्ष का उत्तरार्ध अच्छा रहेगा। अप्रैल से सितंबर के बीच भाग्यवश कुछ संतान संबंधी कार्य अनुकूल होंगे। माता का स्वास्थ्य शुरुआती 4 महीनों में मिला जुला रहेगा। वर्ष का उत्तरार्ध उनके लिए राहत भरा हुआ महसूस होगा। यदि आपकी कुंडली में दशा अच्छी चल रही है तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। आप इस वर्ष भाग्यशाली सिद्ध होंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच भाग्यवश कुछ कार्य और अच्छे होंगे, या जिसका प्रयास आप पहले से करते आ रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। यदि आपके लिए किए हुए प्रयासों का पूरा प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है या स्वास्थ्य संबंधी असंतुष्टि बनी हुई है तो ये उपाय नोट कर लें। रुद्राभिषेक करवाने अपने स्वास्थ्य के लिए रुद्राभिषेक अति आवश्यक है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अपने थाली में से आधी रोटी कुत्ते को और आधी रोटी गाय को देकर तब खाना खाएं। हम आपके सफल और सुखद वर्ष की कामना करते हैं। अब आइए देखते हैं कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा यह वर्ष। कुंभ राशि का प्रतिनिधित्व भी करने वाले शनिदेव ही हैं। कुंभ राशि परम सहनशील, गंभीर, अंतर्मुखी विचारधारा के हैं। आपके मन की बात जानना बड़ा टेढ़ा काम है। विशाल सोच वाला हृदय, उदार प्रवृत्ति, सबका भला सोचने वाला, ये सारी खूबियों के धनी हैं। बृहस्पति आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं। जो रुकावटें आपकी पिछले साल चल रही थी वो लगभग खत्म हो चुकी है, बाधाएं खत्म हो गई हैं। विकास की परियोजनाओं को गति दीजिए। विस्तार का क्षेत्र खुला हुआ है, सहूलियत मिल रही है, कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाते जाएं। यह पूरा वर्ष आपका सहयोग करेगा। बस अप्रैल से अगस्त तक थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन पुनः आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। व्यवसाय सुचारू ढंग से चलेगा। यदि नौकरी में है तो समय अच्छा है, उन्नति के अवसर बन चुके हैं। प्रयास करें, फल मिलेगा। वर्ष का उत्तरार्ध और अच्छा होगा। काम करके प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। नौकरी में सम्मान मिलेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुछ पहले से चली आ रही दिक्कतें लगी रह सकती हैं, अन्यथा कोई नई परेशानी नहीं दिख रही है। शरीर की ऊर्जा का अच्छे से इस्तेमाल करें, लाभ होगा, प्रगति भी होगी। धन संबंधी मामलों में समय अच्छा चल रहा है, आर्थिक उन्नति के अवसर मिलते रहेंगे। वर्ष भर धन संबंधी समस्या नहीं आएगी। यदि आपकी कुंडली में समय अच्छा चल रहा है तो वर्ष के उत्तरार्ध में बड़ी कार्य योजनाएं होंगी। अब विद्यार्थियों के लिए यह समय सामान्य है। मानसिक उहापोह वाली स्थिति बनी हुई है, मन लगाकर पढ़ाई करें। आपके लिए वर्ष का उत्तरार्ध अच्छा होगा। पत्नी का स्वास्थ्य पहले से अच्छा होगा, क्योंकि पिछले साल राहु का प्रभाव इनके ऊपर पड़ने से स्वास्थ्य को प्रभावित किया, जो अब धीरे धीरे सुधार की तरफ बढ़ रहा है।
क्रमशः पहले से सुधार होता जाएगा। माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, त्वचा से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यदि माँ का स्वास्थ्य गड़बड़ है, मानसिक उलझनें बनी हुई हैं या अनिद्रा की स्थिति बनती है, तो उनके सिर के नीचे सिरहाने जमीन पर एक गिलास साफ पानी रखें सोते समय, और सुबह उसको किसी फूल के गमले में या किसी पौधे में डाल दें। विरोधी या शत्रु पक्ष परास्त रहेगा। हाँ, यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी विवाद मुकदमा चल रहा है तो वह भी खत्म हो सकता है। मामले सुलझ सकते हैं और मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो वह भी इस वर्ष संपन्न हो सकता है। यदि आपके किए हुए प्रयासों का पूरा प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है या स्वास्थ्य संबंधी असंतुष्टि बनी हुई है, तो ये उपाय नोट कर सकते हैं। रोज शाम को तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, अपने थाली में से रोटी निकालें, आधी रोटी गाय को, आधी रोटी कुत्ते को। हम आपके सफल और सुखद वर्ष की कामना करते हैं। अब आइए देखते हैं कैसा रहेगा यह वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए। परम धार्मिक, धर्म भीरु, तेजस्वी, दयालु, भावना प्रधान, व्यवस्थापक, विद्वान, अंतर्ज्ञानी, संकोची, यात्रा प्रेमी, ढेर सारे गुणों वाले आप हैं। आपकी राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति देव हैं। यदि यह कमजोर हैं तो सारे लक्षण कम हो जाएंगे, तब हो जाएंगे अत्यधिक अस्थिर विचारधारा वाले। सर के बाल कम हो सकते हैं, कांतिहीन चेहरा हो सकता है। अभी बृहस्पति आपकी राशि से आठवें चल रहे हैं, तो स्वास्थ्य में कमी, असंतोष, शरीर में जल तत्व की अधिकता, शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथियों में असंतुलन जैसे थायराइड का गड़बड़ होना इत्यादि हो सकता है, पाचन प्रणाली का असंतुलन, मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ होना, क्योंकि इस गड़बड़ी में एक और ग्रह की मुख्य भूमिका दिख रही है, वो है राहु देव, जो कि आपके पांचवें घर में चल रहे हैं, जिसकी वजह से सामान्य पाचन प्रणाली में अचानक गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए खान पान संबंधी सावधानी वर्ष पर्यंत आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी राशि से बृहस्पति आठवें और राहु पांचवें हैं। ये दोनों अचानक पर लंबी चलने वाली परेशानी पैदा कर सकते हैं, तो वर्ष पर्यंत ध्यान रखें तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक तो स्वास्थ्य मध्यम, अब व्यवसाय भी मध्यम। आपके दसवें घर में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। इनकी चाल तो आप जानते ही हैं, सबसे धीमी गति से चलने वाले, तो व्यवसाय का बोझ की जिम्मेदारी शनिदेव के ऊपर है, तो व्यवसाय भी इन्हीं के गति के से प्रगति करेगा, मतलब मंथर गति से। व्यवसाय का धीमा होना या यदि आप नौकरी में हैं तो वहाँ भी विराम जैसी स्थिति बनी रहेगी। इसका एक कारण यह भी है कि आपकी राशि और आपकी आजीविका का कारक स्वयं बृहस्पति आठवें बैठे हुए हैं, जिससे उनको पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। यह दोनों शनि और गुरु के कारण व्यवसाय या नौकरी ठहरा हुआ सा प्रतीत हो सकता है, असंतुष्टि रहेगी जब तक बृहस्पति वृश्चिक राशि में न आ जाए। हालांकि अप्रैल से अगस्त तक कुछ बात बनेगी, लेकिन अक्टूबर से अधिक राहत मिलेगी। धैर्य के साथ नौकरी या व्यवसाय करते रहें, लगे रहें। धन संबंधी मामलों में अभी से अप्रैल तक का समय सहयोग करेगा, आर्थिक सहयोग भाग्यवश मिलता जाएगा, अड़चनें और रुकावटें पीछा नहीं छोड़ेंगी। वर्ष के उत्तरार्ध में ज़्यादा राहत महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय बड़ा ही असमंजस वाला है, राहु के कारण आत्मविश्वास में भारी कमी हो सकती है। सारी चीज़ें पढ़ने और याद करने के बाद परीक्षा के समय तत्काल याद न आना, मस्तिष्क पटल पर न आना, हम कौन सा प्रश्न का कौन सा विकल्प चुने टिक करें, यह एक ही जैसा लगेगा। इस तरह का भ्रमात्मक आवरण राहु के कारण वर्ष के पूर्वार्ध तक
आपके ऊपर बना रहेगा। फिर भी यदि आपकी कुंडली में दशा अच्छी चल रही है तो यही राहु आपको व्यावसायिक कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स जैसे इंजीनियरिंग या MBA इत्यादि भी उत्तीर्ण करवाएंगे। इसीलिए पूरी तरह से समझकर अध्ययन करें। पत्नी का स्वास्थ्य भी कुल मिलाकर मध्यम रह सकता है। शनि की दसवीं दृष्टि और केतु की नवीं दृष्टि आपकी पत्नी को परेशान करने के लिए काफ़ी है। मानसिक उलझन से लेकर न्यूरो की समस्या तक पैदा हो सकती है। अगर उनकी दशा अच्छी होगी तो दुष्प्रभाव कम होगा, मगर सावधानी रखनी पड़ेगी। यदि कोई परेशानी पहले से चली आ रही हो तो कुशल चिकित्सकीय सलाह लें। माँ का स्वास्थ्य भी कमोबेश प्रभावित हो सकता है। वर्ष के उत्तरार्ध में अधिक सावधानी रखें। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो फरवरी से अप्रैल के बीच संभव है, एक छोटा सा योग चल रहा है। अन्यथा अक्टूबर के बाद उम्मीद ज़्यादा होगी। यदि आप द्वारा किए गए प्रयासों का पूरा प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है तो ये उपाय आप लिख सकते हैं। नित्य केले के पौधे में जल डालें, भगवान गणेश को नित्य दूर्वा अर्पित करें, रोज शाम को तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं। हम आपके सफल और सुखद वर्ष की कामना करते हैं। ओम नमः शिवाय।